देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 2,36,657, अब तक 6,642 की मौत। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, ब्राजील में इटली से ज्यादा मौतें, विश्व में संक्रमित 67 लाख पार। कर्मयोगी बेगुना और राज तिलक जैसी फिल्मों के निर्माता अनिल सूरी का कोरोना से निधन, बड़े अस्पतालों ने भर्ती करने से किया था इनकार। महाराष्ट्र में बिगड़ रहे हालात, शुक्रवार को सामने आए 2,436 नए मामले, 80,000 से पार पहुंचे संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में 139 की मौत। चीन की हर चाल का जवाब देने की पूरी तैयारी, एलसी पर भेजी गई 60 बेफोर्स तोपे, एलएसी के ऊपर पार चीन ने भी तैनात किया आर्टिलरी का हमला। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया भाजपा लिखा, जनता का सेवक और क्रिकेट प्रेमी अटकले तेज। वैष्णो देवी यात्रा शुरू कराने के लिए श्राइन बोर्ड की तैयारी शुरू, पहले चरण में दर्शन के लिए पैदल जाएंगे मां वैष्णो के भक्त, हेलीकॉप्टर सेवा अनुमति के बाद जांच के साथ बढ़ रही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या, औसत संक्रमण में महाराष्ट्र से बराबरी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में बादल फटने से भारी नुकसान, कार समेत कई वाहन बहे, घरों में भी घुसा पानी। नौकरशाह से राजनेता बने शाह फैसल, पीडीपी नेता सरताज मदनी व पीर मंसूर को रिहाई के बाद किया नजरबंद, इस हफ्ता हटाया था पीएससी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।